खबर जयपुर से है, आपको बता दें राजस्थान के रण में बीजेपी का अलर्ट। जेपी नड्डा रहेंगे राजस्थान के दौरे पर। दो दिवसीय नड्डा का ये दौरा रहने वाला है। 9 और 10 अक्टूबर को चार संभाग का नड्डा दौरा करेंगे। अजमेर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर में उनका कार्यक्रम है। संभाग स्तरीय कार्यशाला में वो शिरकत करेंगे। तो जयपुर से इस समय की बड़ी खबर, जहां भारतीय जनता पार्टी अलर्ट मोड पर आ चुकी है और उसी के चलते राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा राजस्थान के दौरे पर रहने वाले हैं। दो दिवसीय नड्डा का ये दौरा रहेगा। 9 और 10 अक्टूबर को चार संभाग का नड्डा दौरा करेंगे। अजमेर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर में कार्यक्रम है। संभाग स्तरीय कार्यशाला में वो शिरकत करने वाले हैं। तो जयपुर से इस समय की बड़ी खबर, और चुनावी समर के चलते राजस्थान के रण में अब बीजेपी अलर्ट मोड में दिखाई दे रही है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता लाल सिंह फौजदार। लाल सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा है, क्या कुछ अपडेट है इस पूरी खबर पर? हाँ देखिए, बिल्कुल सौरभ, लगातार अब चूंकि आचार संहिता लगने से पहले दोनों ही पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। इस कड़ी में जो आगामी सप्ताह है वो भाजपा के दिग्गज नेताओं के नाम रहेगा। करीब एक दर्जन नेता इस दौरान दौरे पर रहेंगे अलग अलग कार्यक्रम में। पीएम मोदी का भी कार्यक्रम बन रहा है, जहां जेपी नड्डा के कार्यक्रम की बात है तो जो सभी सातों संभाग में कार्यकर्ताओं कार्यशाला आयोजित की जा रही है, उनमें चार संभागों में जेपी नड्डा शिरकत करेंगे। कोटा, अजमेर, उदयपुर और जोधपुर में वो कार्यकर्ताओं की कार्यशालाओं में शिरकत करेंगे, कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे, आगामी रणनीति को चर्चा करेंगे। और लगातार जो अभी हाल ही में वायरल सूची के बाद इस तरह विरोध के स्वर उठ रहे हैं, जब वायरल सूची में ये हालात बन सकते हैं तो जो सूची आएगी पार्टी की, उस समय कहीं बगावत का ज्यादा झंडा बिगुल ना हो जाए, जिसको पहले ही थामने की कवायद भी पार्टी ने अब शुरू कर दी है। इन तमाम रणनीति को लेकर सौरभ चर्चा करेंगे। 9 और 10 दो दिन के दौरे पर जेपी नड्डा राजस्थान में चार संभागों में बैठे लेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद लाल सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। तो 9 और 10 अक्टूबर को चार संभागों के दौरे पर रहने वाले हैं जेपी नड्डा। राजस्थान के दौरे पर रहेंगे और पूरी तरह से इस समय भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मद्देनजर अलर्ट मोड पे दिखाई दे रही है।